क्या हाल चाल। तो आपका स्वागत है आपके अपने चैनल अर्निंग विद ब्लॉगिंग में, और आज मैं लगे रहा हूँ और खास वीडियो जिसमें मैं बताऊंगा आपको कि जो पिछला हमारा जिन ने अपडेट कर लिया था लोगों ने मेक स्टोरेज का प्लगइन, और उस कारण से उनको वो पेज शो हो रहा था कि आप अलाउड नहीं है उस पेज पे जाने के लिए। तो उस चीज़ के लिए जो सोल्यूशन है वो मैं आज लेकर आया हूँ कि मुझे मैंने काफ़ी ट्राई किया और मुझे एक ही सोल्यूशन मिला उस चीज़ का, और वो क्या था कि आपको दोबारा से अपनी वेबसाइट को वर्डप्रेस को दोबारा सेट करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अपनी होस्टिंग में जाके अपने वर्डप्रेस को अनइंस्टॉल करना पड़ेगा, या फिर क्योंकि वो हर एक होस्टिंग के लिए अलग अलग हो सकता है तो वो स्टेप मैं नहीं बता सकता आपको। वो आप अपनी होस्टिंग का नाम लिख के यूट्यूब पर तो उस चीज़ को आप देख सकते हो कि वहाँ से आप कैसे डिलीट करोगे अपने डोमेन को। तो जैसे ही आप वहाँ से वो डाटा डिलीट कर दोगे, सबसे पहले आपने क्या करना, बैकअप ले लेना अपना। तो आपने आना सबसे पहले प्लगइन्स में और WP माइग्रेशन में जाना है, WP माइग्रेशन, ठीक है। तो जैसे ही आप WP माइग्रेशन है जो उसको इंस्टॉल कर लोगे, ऑल इन वन है ठीक है। तो जैसे ही आप ये वाला प्लगइन है, इसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा अगर किसी को चाहिए होगा, तो ये आपको करना है इंस्टॉल। और उसके बाद क्या करना है आपको, ये चीज़ ध्यान से देखना कि इसमें एक्सपोर्ट करना जो वो फाइल करनी है वो किस तरीके से करनी है। तो ये जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगा तो आपने एक्टिवेट कर लेना है। तो हमने जैसे ही इसे एक्टिवेट कर लिया और आप देख सकते हो यहाँ पर एक्सपोर्ट का ऑप्शन आ गया, तो हमें इसको फाइल में कर लेना है, एक्सपोर्ट टू फाइल। तो जैसे ही आप देखोगे यहाँ पे एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, और ये अगर आपके वेबसाइट में कुछ ज़्यादा डाटा नहीं है तो 2 या 3 मिनट में हो जाएगा, अगर ज़्यादा डाटा है तो 5 या 10 मिनट ले लेगा ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो जैसे ही ये एक्सपोर्ट हो जाएगा आपको क्या करना है, ये फाइल संभाल के रख लेनी है, और आपको क्या करना है अपना जो होस्टिंग वाला जहाँ पे आपका डाटा है वहाँ से अपने होस्टिंग और वर्डप्रेस को डिलीट कर देना और दोबारा इंस्टॉल करना है। और दोबारा जब आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा, लॉगिन करके दोबारा प्लगइन ये वाला इंस्टॉल करना है, और सेम जो ये हम फाइल डाउनलोड कर रहे हैं इसे अपलोड कर देना, ये भी मैं आपको बता दूंगा कैसे करना है, ठीक है। तो ये 40% कंप्लीट दिखा रहा है, इस वेबसाइट पे थोड़ा ज़्यादा डाटा है मेरे ख्याल से, इतना भी नहीं होगा, 500 से 1000 MB के बीच में नॉर्मल डाटा रहता है, और 2 GB 3 GB 5 GB तो इस तरीके का अगर होगा तो आपका ज़्यादा डाटा है इसका मतलब। तो जैसे ये हो जाएगा मैं आपको अगला स्टेप बता दूंगा। तो आपने एक चीज़ और ध्यान रखनी है इस चीज़ में कि आपको अगर आपका जो डाटा है वो अगर ज़्यादा है 500 MB से, तो इसका एक्सटेंशन फाइल आपको चाहिएगा, वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, या फिर डाउनलोड के लिए सीधा फाइल दे दूंगा तो आप डाउनलोड कर सकते हो डायरेक्टली, ठीक है। तो जैसे मेरा तो बहुत कम है, 225 MB का डाटा है, तो ये मैं डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अभी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अब जैसे ही आपको ये डाटा मिल जाएगा तो आपने सारा कुछ दोबारा इंस्टॉल कर लेना, और आपके अपने वर्डप्रेस में दोबारा आना है और इसको इंपोर्ट कर लेना है एज इट इज़। तो जैसे ही आप इसे इंपोर्ट करोगे फाइल को, तो जो भी आपकी फ़ाइल होगी वो यहाँ से आप इंपोर्ट कर सकते हो, और वो आपका सेव हो जाएगा और आपकी दोबारा वेबसाइट चल जाएगी और मेक स्टोरीज भी दोबारा चल जाएगी। तो उसके बाद आपने क्या करना, मेक स्टोरीज के प्लगइन को साथ के साथ अपडेट कर लेना है, अगर कोई अपडेट आ रहा है, जैसे कि आ रहा है 2.6.4 में ये था बग, और ये 2 अपडेट आ चुके हैं उसके बाद, तो इसे आपने साथ के साथ अपडेट कर लेना, और उसके बाद अगर आप चेंज करोगे तो भी कोई इशू नहीं रहेगा आपका। जैसे मैं आपको अब करके दिखा दूंगा, जैसे मैं एक स्टोरेज में सेटिंग में जाएंगे हम, तो आपको मैं कुछ भी चेंज करके दिखा दूंगा, जैसे ये है इसको सेव किया तो ये एज इट इज़ हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस चीज़ को कर सकते हो, और ये 1 and only 1 मेथड मुझे मिला है, इसके अलावा कोई और एक्सेस के लिए आपको तरीका नहीं मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही था गाइस, थैंक यू। वर्डप्रेस और कुछ भी ऐसे एरर्स को मतलब कि चाहते हो कि जल्दी से जल्दी सॉल्व हो,
तो आप यहाँ पर आ सकते हो बिल्कुल। और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू, बाय बाय।